जय हिंद दोस्तों, आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फैवी ज्ञान। कि जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप हर बार कहते हो कि नए सीजन पे जो नया अध्याय शुरू करेंगे उसमें आप कुछ नया दिखाएंगे, तो नया ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई जादू मंत्र का कोई ऐसा वो है, सिर्फ क्या कि जो अनुभव है, जो मेहनत है, उसको कुछ पुराने केमिकल कुछ नए केमिकल मिला के कुछ आप सब लोगों के लिए इस टाइप के काम कि जो बहुत ही ज़्यादा सरल सुगम हो। और ज़्यादा क्या दिक्कत क्या होती है कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाता है कि कौन से कलर पे चढ़ा है, किस सबका अलग अलग होता है। अब इसमें क्या कि हमने ये जो केमिकल बनाया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कपड़ा पीछे, मैंने जो ये हमारा इनर है, ये इनर आपको दिख रहा है, इनर है, इसके ऊपर इनर है वाइट कलर का, इस पर आगे पीछे लगा हुआ है। और उसी तरह मैं केमिकल भी बना देता हूँ। तो ये मैंने लिया है 8 लीटर पानी लिया है, ये 8 लीटर पानी है और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये 20 ml है, क्योंकि मुझे चाहिए था 40 ml, मेरे पास केमिकल नहीं है। तो इसमें क्या कि थोड़ा टाइम बढ़ने वाला है, जहाँ 2 मिनट की जगह 4 मिनट भी हो सकते हैं, तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, इसको कोई हैजर नहीं है, ये इसमें डाल दिया, कोई हैजर नहीं है, ये केमिकल मिला दिया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं कपड़े दिखाऊँगा वैसे वैसे डालता रहूँगा। ये मैं सबसे पहले इनर डालता हूँ इसके अंदर, ये इनर है, ये इसको डिप किया, इसमें डिप कर दिया। और दूसरा हमारा ये है फ्लेक्स, यानी लीलन का है, ये शर्ट है, इसमें भी जो बटन पट्टी है ये टूल कपड़े की है, टूल कच्चा होता कलर, लेकिन क्या कि इसमें कलर भी नहीं निकलेगा। और इसमें ये जो ग्रीन कलर लग गया है, बाजू में भी लगा हुआ है, काफ़ी जगह लगा, बाजू में भी लगा है, बैक में भी लगा हुआ है, इसको भी इसमें डिप करते हैं। और उसी तरह ये हमारा, ये भी लीलन का है, ये भी प्योर लीलन है, क्योंकि जो जिनको कपड़े की पहचान है ये भी लीलन है, तो इसको भी हम इसमें डिप करते हैं। और ये खाकी जो पैंट है, इस खाकी पैंट में भी बहुत जगह लगा हुआ है, ये देखो, ये ब्रांडेड पैंट है, कैंटाबिल कंपनी की पैंट है, कॉटन है, प्योर कॉटन, ये भी हम इसमें डिप कर देते हैं। और उसके बाद लेते हैं हम ये डाइनम है, ये भी ब्रांडेड है, क्योंकि इसमें कोई कपड़ा इस टाइप का नहीं है, ये इसमें दोनों जो हमारी स्लीव्स है दोनों पे लगा हुआ है, और ये भी ब्रांडेड कंपनी का है, ये जो है ब्रांडेड कंपनी की है पैंट, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का अपने आप ही पता लग जाता है, ब्रांडेड कंपनी की पैंट है, इसको भी हम इसमें डिप कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने डिप किया और हल्का सा हमारा जो ये पानी है इसका हल्का सा ग्रीन हो गया है, हल्का सा ग्रीन शेड पे चला गया ये पानी, और इसमें 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये कलर निकल जाएंगे और कपड़े को कोई भी क्षति नहीं पहुँचेगी, यानी कहते हैं जीरो टॉलरेंस बिल्कुल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नीचे, जो सबसे पहले डाला हमने इनर डाला है ये हमने निकाला, और इसमें ज़्यादातर निकल चुका है, हल्का सा रह गया है, क्योंकि मैंने कहा कि केमिकल कम है हमारे पास। अच्छा, रगड़ा पीटी नहीं करनी, काफ़ी लोग देखे ना अगर रगड़ते हैं, रगड़ना नहीं है हमें, क्या है कि डिप करके छोड़ दें इसको खाली, मशीन में करेंगे तो अब तक हो जाता, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया है। और इसमें कोई जादू मंत्र कोई, क्योंकि आजकल कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, जो बाकी आदमी जो रात दिन मेहनत करके कोची बनाता है वो कहते हैं कि उसको कोई पूछता नहीं है, बाकी ऐसे लोग जो इधर उधर की बातें करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं, सब्स बराबर बढ़ जाते हैं उनके, रातों रात वो कहते हैं कि फेमस हो जाते हैं। तो मुझे ये देखो, ये हमारा इनर है, ये इनर है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का लगा होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें नाम मात्र के लिए भी नहीं है, इसको रखते हैं यहाँ पे। उसी तरह हम
दूसरा कपड़ा निकालते हैं, यह शर्ट निकालते हैं जिसके अंदर यह शर्ट निकाली, यह भी ब्रांडेड शर्ट है, यह भी निकल चुका, हल्का सा रह गया, इसको भी थोड़ी देर डिप करते हैं, क्योंकि हर एक कपड़े का जो अपना स्वभाव होता है, क्योंकि पानी कम है और पानी कम के बाद में कपड़े ज़्यादा डाल दिए हैं। सिर्फ मेरे पास केमिकल इतना ही था, मुझे डेमो दिखाना था एक तरह का। ये भी हमारा निकल चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हल्का सा रह गया इसमें, इसको डिप करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद निकालते हैं हम खाकी पैंट। ये खाकी पैंट निकाली और खाकी पैंट में भी हल्का सा है रह गया इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। बाकी इसको देख लेते हैं, ये हमारा लीलन है, लीलन हमारा निकल गया लेकिन हल्का सा रह गया इसमें भी, क्योंकि जो निकल रहा है वो आपको कलर दिखाता हूँ। ये ग्रीन शेड पे जा चुका है और ये दोबारा लगेगा भी नहीं, जो ये लगा निकला है हल्का सा, पहले बिल्कुल वाइट था यानी वाटर कलर था, अब ये हल्का सा ग्रीन शेड पे आ गया है। तो इसको हमने डिप कर दिया, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वाइट से निकल गया, वाइट से आराम से दिख जाता है, तो हमने थोड़ा, क्योंकि पानी कम है और वीडियो बनाने में मेरे पास स्टैंड भी टूटा हुआ है, ये जुगाड़बाजी से कर रहा हूँ सारे काम, तो ये पानी हमारा ग्रीन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा हो ग्रीन पानी हो गया है, पानी ग्रीन हो चुका है, ग्रीन पानी हो चुका है। और हमारी ये खाकी पैंट है, इसका कलर भी निकल चुका है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल निकल चुका है, इसमें कहीं भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट भी क्या है कि मैं आपको गुमराह करूं। गुमराह करने वाले तो वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तो आपका घर का मेंबर हूं। ये क्लियर हो चुका है। और हमारी जो ये शर्ट थी, ये शर्ट है लीलन की शर्ट, ये इसमें लगा हुआ था, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। और हमारा जो कलर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल बाजू वगैरह सब निकल चुका है, इसका टोटल क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमें इसे चाहे तो हम इसको वॉश कर दें और ना चाहे तो इसको खाली खंगाल के सुखा दें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारी जो डाइनम की पैंट है, ये हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, दोनों इसके पैर हैं, दोनों लेग्स हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए भी नहीं होगा इसमें, और कलर में 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये जो कलर है हमारा, ये कलर हमारा ग्रीन हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन हो चुका है, वाइट सा ग्रीन हो गया है। तो दोस्तों कि हमें जादू मंत्र नहीं करना, हमें परफेक्ट काम करना, और जो फ्रेशर हैं, जो पुराने हैं वो तो अपने पैरों पर खड़े हैं, जो नए, जो हमारे साथ में बच्चे जुड़े हैं, जो भाई जुड़े हैं, क्योंकि मेरे साथ में जो मैंने देखा है कि उसमें जो वीडियो देखते हैं उसके अंदर ज़्यादातर 25 साल से लेकर और 44 साल तक के लोग हैं, जो कि इसमें 34-35% जुड़े हैं, बाकी इसके अंदर 18 से 24 तक के 17% जुड़े हैं, 45 से 54 तक के 11% जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा 25 से और 44 साल की एज में होते हैं। तो जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना बाप का जूता जब बेटे के पैर में आया तो वो भाई के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये है कि मैं आपको भाई कह के संबोधित इसलिए करता हूँ कि आप अपने काम को, अपने परिवार को चला रहे हैं और आप अपना जो नींव है उसको मजबूत रखें और टेंशन फ्री होकर काम करें। आने वाले सीजन में आपसे रिस्पेक्ट है कि इस केमिकल के विषय में अभी ना पूछें, जब नया सीज़न शुरू होगा अपने आप मैं बताऊंगा कि कौन सा केमिकल है और क्या है। नहीं, काफ़ी लोगों की होती है, सर बता दीजिए, और जो बताया उसी से मैंने कौन सा उन्होंने पहाड़ खोद लिया है। तो ये भाई उतावले मत हो, थोड़ा कहते ठंडा करके खाओ। बाकी एक क्वेश्चन एक बताई थी कि भाई कि ऑफजोलिक से उसमें चाय कॉफ़ी के दाग निकलते हैं, कि आपने बोला था कि
क्या शिकायत करने को, क्योंकि निकलते हैं लेकिन कौन से फैब्रिक से निकलते हैं उनको ये नहीं पूछा, क्वेश्चन करना नहीं आया कि कौन से फैब्रिक से चाय कॉफ़ी के दाग जो ओब्जोलिक एसिड से निकलते हैं। तो दोस्तों मैं किसी से बहस या वो नहीं करूँगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा ये है कि थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो ही अपना ये है कि भाई आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों ये चैनल यूं ही चलता रहेगा, बिल्कुल ग्रीन हो चुका पानी ये, और इस पानी को फेंक देंगे और इसके बाद हम इन कपड़ों को एक बार खंगालेंगे, खंगाल के हाइड हो करके इसको सुखा देंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ये हमने कपड़े इसमें रखे, ये हमारा क्लियर हो चुका है पैंट बिल्कुल, ये हमारी शर्ट है ये भी क्लियर हो गई है, ये शर्ट थी ये भी क्लियर हो चुकी है, और हमारी ये लाइनिंग की जो फ्लेक्स की शर्ट थी ये भी हो गई, फ्लेक्स की दो शर्ट थी, जो हमारा ये खाकी पैंट था कैंटाबिल का ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और हमारा जो इनर था, इनर है ये वुलन का इनर है, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद जय भारत।